Bharati sa Hari. जो हरे वो हरि हरि है भगवान विष्णु को या श्री कृष्ण को हरि क्यों कहते हैं क्योंकि ये हरते हैं ऐसे बहुत बहुत चीज हरते हैं हरण करते हैं तीन चीज हरते हैं एक तो पाप अनेक जन्म जित पाप चरण यह श्री कृष्ण का स्वभाव है सूर्य का स्वभाव है अंधकार को नष्ट करते हैं स्वभाव अपनी सत्ता है सूर्य कोई टॉर्च नहीं चलाता है या प्रयास नहीं करता है कि अंधकार को भगाया जाए जहाँ आएगा भाग जाएगा अगर सूर्य आया तो अंधकार को जाना ही है इसको सूर्य का स्वभाव कहते हैं श्री कृष्ण का ही स्वभाव है उनसे या उनसे संबंधित किसी वस्तु से संपर्क किया जाए तो वे पाप का विनाश करते हैं पापम हरति स हरि दुखम हरति स हरि और पाप के कारण ही दुख होता है किसी पर किसी प्रकार का संकट आ गया है चाहे मानसिक संकट हो शारीरिक संकट हो पारिवारिक हो या बाहरी समाज में कोई दिक्कत हो कुछ भी हो सारे दुख को वे हर लेते हैं अपने आश्रित मात्र के और आश्रित कर दिया तो उनके नाम का उच्चारण करने पर भी उसको प्रणाम करने पर भी भक्त के दुख का हरण कर देते किसी के भी दुख का हरण कर देते उनको हरि कहते हैं और एक और सेवा सनातन गोस्वामी जी लिखते हैं चित्तम भरती इति भरती और चित्त भाग लेते हैं उनको हरि कहते इतने सुंदर हैं और इतना सुंदर बांसुरी बजाते हैं उनका कपड़ा उनका श्री विग्रह उनकी मुस्कान उनकी लीलाएं उनकी चाल उनका चितवन इतना माधव है इतना आकर्षक है कि वो किसी को भी यहाँ तक कि आत्मा का मुनियों के भी चित्त को हर गए और की तो बात ही क्या फिर भी स्त्रियों के चित्त को हर गए ये तो आश्चर्य की बात क्या है सबके चित्त को हर लेते हैं तो पापम दुखम चित्तम जथा जथम हरति सहज जथा जथम यहाँ लगाया गया है समझ लेना चाहिए अगर कोई दुखी है उसका दुख हर लेते हैं अगर बहुत बड़ा पापी है तो केवल कृष्ण को एक बार प्रणाम करके नाम उच्चारण कर उसका अनेकों जन्मों का पाप हर लेते हैं और यदि वह श्री कृष्ण का प्रेमी है गोपियां अपने भावों पर छिपा करके बोल यदि वो कृष्ण से प्रेम करता है तो उसके चित्त को हार लेते तो हम लोगों के चित्त को हारे हैं गोपियों को कहने का अर्थ है इसलिए हरि उन्हीं के स्वभाव जैसा हरि के स्वभाव जैसा ही जिनका स्वभाव होता है जो उनके शरण में रहते हैं उनको हरिदास हरि के स्वभाव को धारण किए हुए हैं हरि जैसा स्वभाव है तो वे भी पाप को हरते हैं वे भी दुख को हरते हैं और वो भी चित्त को हरते हैं भगवान हरि के तो दास हैं और सेवा आदि तो बाद में आया ही हुआ है ऐसे श्री कृष्ण के जो दास हैं श्री विष्णु के दास हैं उन दासों में हे अबलाओ इस संपूर्ण ब्रह्मांड में यह पर्वत ही सबसे श्रेष्ठ दास हरिदास सबसे बड़ा श्रीमद् भागवतम में तीन हरिदास की चर्चा है एक श्री युधिष्ठिर महाराज श्री उद्धव जी और श्री गोवर्धन हरिदास राजर्षे राजसूय महोदय सुखदेव गोस्वामी कहते हैं वहां पर कि महाराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण के भक्तों में सबसे भक्त हैं भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं इसलिए उन्होंने आज श्री जन सफल कर तो हरि की कृपा से हरिदास युधिष्ठिर महाराज जब ये संपन्न किया उनका जस तीनों लोकों में फैल गया उन्होंने हरिदास कहा गया और उद्धव जी के लिए कहा गया कि भगवान श्री कृष्ण का स्मरण कराते हुए
हरिदास उद्धव जी कई महीने ब्रज में रहे, गोपी जनों को भगवान की लीलाएं सुनाया करते थे, उनका दुख हरते थे। तो ये दो हरिदास हैं, तीन हरिदास की चर्चा है, एक श्री गोवर्धन, लेकिन तीनों में वैसे हरिदास तो अनंत है, जैसे श्री नारद जी आते हैं, ये सब अनंत अनंत हरिदास हैं। और समस्त हरिदासों में तीन मुख्य हैं और तीन में श्री गोवर्धन जी वर्जन श्रेष्ठ, श्री उद्धव जी और विदेशी महाराज को संबंध करके विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि समस्त हरिदासों में तीन श्रेष्ठ हैं, युधिष्ठिर, उद्धव और श्री गोवर्धन। इन तीनों में भी सबसे श्रेष्ठ गोवर्धन हरिदास वर्जन। जगत अशेषम पापम दुखम चित्तम च यथायथम हरति इति हरि तद अधिष्ठाता देव शास्त्रे लोके च प्रसिद्ध तत् स्वभाव के सुदास हरिदास। हरि भगवान ने श्री विष्णु को हरि कहते हैं और श्री कृष्ण को भी हरि कहते ही हैं, प्रसिद्ध बात है। गोवर्धन के अधिष्ठाता देवता, अधिष्ठात्री देवता जो है उनको हरि कहा जाता है, उनको हरिदेव कहते हैं, हरिदेव। ये प्रसिद्ध है शास्त्र लोके च, लोक में भी प्रसिद्ध है और शास्त्र में तो प्रसिद्ध है। श्री कृष्ण से किस प्रकार अभेद है भगवान विष्णु का और गिरिराज जी का, तो इसको बज्रनाथ जी ने जब यहाँ पर श्री विक्रम पधरवाया गोवर्धन में, तो उन्होंने हरिदेव नाम भगवान श्री कृष्ण का पास ही बजाते हैं। यह श्री विग्रह कानपुर के पास आज भी विद्यमान है, लोग फरवरी में गए थे दर्शन करने के लिए जो गिरिराज में रहते थे, उनको हरि कहते, हरिदेव, देव कहते पूज्य क्रीड़ा प्राण लीला करने वाले हरिदेव, हरिदेव, हरिदेव कहते। तो भगवान श्री कृष्ण जितने भी भक्त है उनमें सबसे श्रेष्ठ गिरिराज जी है गोवर्धन जी, कारण दे रहे हैं। पहला कारण, जब राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोद, राम कृष्ण जो हो चरण चरण स्पर्शे न प्रकृष्ट मोद हर्ष रोमांच स्वेद अश्रुवादी स्वरूप त्रिण उद्गम आर्द्रता जल बिंदु श्रावादी लक्षण। श्री गिरिराज जी को हमेशा श्री कृष्ण और बलराम के चरम स्पर्श से प्रमोद रहता है, प्रकृष्ट आनंद में रहते हैं। तो प्रकृष्ट आनंद में रहते हैं, कैसे तुमको पता है कि आनंद में रहते हैं, तो देखो रोमांच हो रहा है, अश्रु गिर रहा है और शरीर से सात्विक विकार प्रसरे पसीना निकल रहा है। भगवान श्री कृष्ण के चरण स्पर्श से तृण का उद्गम हो ही रहा है, चरण का स्पर्श से तृण का उद्गम होता है, बहुत से घासें लहलाया जाती हैं और पानी रहता ही है, वैसे शिला पर बिना वर्षा के भी पानी जैसा हुआ रहता है। श्री कृष्ण के चरण स्पर्श के कारण पसीना होता है से, और झरना गिरता है कहीं कहीं, छोटे छोटे झरने बड़े बड़े झरने, तो अश्रु गिरता है। वैष्णव जो हरिदास वर्ज है, श्री कृष्ण का स्मरण करके या श्री कृष्ण का गुणगान करके श्रवण करके भक्तों के ये विकार होते हैं, इनको तो 2400 घंटा विकार रहता है। गिरिराज जी को शरीर में पसीना आना, रोम का खड़ा होना, रोमांच अंश का होता है खड़ा होना, अंश रोम अंश अंश का होता है ऊपर होना, रोम अंश रोए खड़े हो जाए। श्री कृष्ण का स्पर्श करके गिरिराज जी जैसे रोए खड़े,
एक पर्वत के रोए क्या है, घास ही है ना, तृण या लताएं या वृक्ष पर को रोम कह सकते हैं। इतने विशाल पर्वत के लिए वृक्ष भी एक रोम ही है। तो इस तरह से रोमांच है, सनातन गोस्वामी जी कहते हैं रोमांच श्वेत अश्रु आदि स्वरूप तीव्र आर्द्रता जल बिंदु श्राव आदि लक्षण इस तरह से होता है, इसलिए सबसे श्रेष्ठ है। और दूसरा कारण सहगो गणय हो तय हो पानी सूर्य कलमूल मालूम तनो की कृष्ण की गौओं के लिए और कृष्ण के सखाओं के लिए और दोनों के लिए पानी पीने योग्य पदार्थ मधु और जल सुंदर तृण गुफाएं और कंदमूल आदि के द्वारा मानव तनों की इति सर्वे अन्य रखी क्रियमाण विस्तारे करोती विस्तारती इति अर्थ मानव तनों की अधिकाधिक अधिकाधिक गौओं के लिए सखाओं के लिए कृष्ण नारायण के लिए ये देते रहते हैं। इन सब वस्तुओं का अनेक प्रकार से श्रृंगार करके खूब सुंदर फर्स्ट क्लास की घास और गुफा, जिस गुफा में एक भी कंटक नहीं, एक भी सांप नहीं, बिच्छू नहीं, अपने ओर से बिल्कुल श्रृंगार करके रखते हैं। ये गिरिराज का स्वभाव है, चरण स्पर्श प्रमोद। टीका में शिकायत सनातन गोस्वामी जो यहाँ तक कहते हैं कि कृष्ण और बलराम के कृष्ण बलरामयो चरणयो स्पर्शात प्रमोद प्रमोदन ददाति ऐसा कुछ करते हैं। अपने स्पर्श से गिरिराज जी कृष्ण बलराम के चरण को प्रमोद देते हैं, यही अर्थ किया। गिरिराज जी की सेवा जाड़े के दिन में उष्ण रहती है, हल्का ठंडा बिल्कुल नहीं जाड़े के दिन में। तो श्री कृष्ण और बलराम कभी स्वयं अपनी इच्छा से चरण रख करके और कहते हैं कितना अच्छा लग रहा है, पत्थर गर्म हो गया जाड़े के दिन में। तो चरण को गिरिराज जी के स्पर्श से प्रमोद होता है, आनंद होता है, और वो तो आनंदित हो ही रहे हैं, इसके साथ साथ कृष्ण बलराम के चरणों को भी प्रमोद मिलता है गिरिराज जी का स्पर्श कर। पर गर्मी के दिन में ग्रीष्म ऋतु में वो सिवाय शीतल हो जाते हैं। कृष्ण के चरण कमल श्री बलराम जी के चरण कमल अनुभव करते हैं कि गर्म लग रहा है, कहीं और जगह मान लीजिए वो भी एक व्यवस्था है। कहीं पर श्री कृष्ण के चरण कमलों में गर्मी लगे वो भी एक लीला में सुख देने के लिए ही है, लेकिन फिर भी वहां से भाग भागवत कहीं धूली से भाग करके और पत्थर पर आकर के चरण रखते हैं, फिर पत्थर और तप्त होता है ना। लेकिन गिरिराज जी ऐसे रहते हैं कि शीतलता देते हैं और जाड़े के दिन में गर्मी देते हैं। तो श्री कृष्ण जब गुफाओं में जाते हैं तो अपने हाथ से गुफाओं का स्पर्श करते हैं, देखते हैं, छिपते हैं। यह चरण से तात्पर्य सर्वांग से विग्रह से भी है, इतना ही नहीं केवल चरण, क्योंकि वो सोते हैं गिरिराज जी की गुफाओं में, पर्वत पर बैठते हैं बैठते हैं, उनके सर्वांग से विग्रह का स्पर्श होता है, इसलिए गिरिराज जी सबसे श्रेष्ठ है भगवान के भक्तों में। और वास्तव में गिरिराज जी केवल भक्त ही नहीं है, एक साक्षात भगवान है, ऐसा उनका ख्याल है और सभी लोगों ने माना है। गिरिराज जी स्वयं श्री कृष्ण है और श्री कृष्ण के भक्त भी। एक अद्भुत बात है, कहीं दोनों है।
भक्त है श्री गोपी जन यहाँ उनको भक्तों में सर्वश्रेष्ठ माने। अथवा एक अर्थ ये भी है कि भगवान हरि के जितने दास हैं सबके द्वारा ये वर्ण वर्णीय है, इन्हीं का वर्ण करने के लिए मतलब ये स्वयं भगवान है, ये अर्थ है हरिदास ही वर्ण है। जितने भगवान के दास हैं उनके द्वारा वर्ज का अर्थ वर्ण करने के सेव्य आराध्य सिंह अच्छा। तो जब गोपियां बोल रही हैं श्याम सुंदर के विषय में तो जैसे अक्षरवतन फलमिदम परम विदाना पहला श्लोक था तो उसमें श्री बलराम जी का साथ वर्णन कर रही है। तो श्रीपद जी गोस्वामी जी वह लिखते हैं कि अपने भाव का गोपन करने के लिए श्री बलराम जी का नाम रख रहे हैं, उसका साहचर दिखा रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, कोई ये न जाने कि कृष्ण के प्रति इसका स्पेशल अटैचमेंट है। सामान्य वर्णन जैसे सभी लोग प्रसन्न होते हैं कृष्ण बलराम से गोवर्धन से वैसे हम लोग भी हैं तो कोई कटाक्ष न कर सके तो कई लोग रहते हैं इसमें श्री बलराम जी का नाम रख रहे हैं अर्थांत एक अन्य अर्थ से, लेकिन वास्तविक अर्थ क्या है राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोद। राम जो शब्द है वह कृष्ण का या चरण का विशेषण है। राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोद रमयति सर्वं सुखयति इति राम, जो सबको सुखी करे रमा दे उसको राम कहते या रमत है विविधम क्रीड़ा करोति स राम, जो क्रीड़ा करे विविध खेल करे वो राम है, और अथवा दूसरों को सुखी करे जो सर्वं रमयति स राम कृष्ण, जो सबको क्रीड़ा करते सबको सुखी करते हैं ऐसे कृष्ण के चरण के स्पर्श से गिरिराज जी आनंद ले रहे हैं। यह चरण का विशेषण लाएंगे तो यौ रामो कृष्ण चरण यौ रामो यौ कृष्ण चरण ताभ्यां स्पर्शेन प्रकृष्ट मोदोजसः। इसके बहुत अर्थ किए गए राम कृष्ण चरण रमणीय कृष्ण के चरण स्पर्श से एक अर्थ किए गए। ये गोपीजनों के लिए सब अपना उनका विचार भाव है लेकिन बाह्य कुछ लोग दूसरा समझे तो परम रमणीय श्री कृष्ण के चरण कमलों के स्पर्श से हमेशा प्रकृष्ट हर्ष रहता है कि जाती शुरू में उपक्रम करते हुए श्रीपाद सनातन गोस्वामी कहते हैं अभी सखी पुलिंदियों के भाग्य को तुम कह रही हो, वो तो बेचारी चर जीव है घूमने वाली जंत्र जंत्र सह चलते जहां जहां श्याम सुंदर चलते हैं इस वन से उस वन में नदी के तट से पहाड़ पर सब जगह तो पुलिंदिया जाती है पीछे पीछे और शिला पर और घास पर कहीं भी श्री कृष्ण के चरण से कुमकुम लगा होता है तो घास से या पत्थर से कुमकुम उठाकर अपने मुख में लगाती हैं तो चर है घूमती हैं जहाँ जहाँ प्रियतम श्याम सुंदर जाते हैं उधर पर ले जाती हैं उनके भाग्य को क्या कहना। देखो स्थिर होने पर भी एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाने वाले होकर भी स्थिर होकर के भी गिरिराज जी का भाग्य दे उनको तो इसके पहले पुलिंदियों के भाग्य की सराहना की गई पूर्णा पुलिंद पदार्थ जनागर
श्री कुंड कुबेर दैताश्र मंदिर में इसी प्रकार अहो जत्र जत्र कृष्ण प्रयाति तत्र तत्र प्रयाण समर्था नाम पुलिंदी नाम आसान भाग्यम दूरे अस्तु स्थिर अयम श्री गोवर्धन परम भाग्यवान धन्य धन्य इत्याहु भंतरी स्थिर होने पर भी एक जगह रहने पर भी श्री गोवर्धन परम भाग्यवान है अयम इति तदानीं श्री गोवर्धनान्तिके मत्ताशम निवासेन साक्षात अमूल्य दर्शन इतने पहले कह चुका अयम शब्द का अर्थ जदवा श्री कृष्ण प्रियम श्री कृष्ण प्रियतम श्री कृष्ण प्रियतम पाशु सदा साक्षात परिस्थिति श्री कृष्ण के परम प्रिय है गोवर्धन प्रियतम है अतः श्याम सुंदर की तरह ही इनकी स्मरणा हृदय में होती रहती है कि वह परम आदरेण तन नाम अग्रहणा जगतो अशेषम पापम दुखम चित्तम यथाथम हरती हरि तत्स्वभाव के सुख दासेश मध्य श्रेष्ठ हंत सख्यो महदाश्रयम बिना नैव मनोरथ भवति महत्वम च हरि भक्तानां तेषामपि मध्ये श्री गोवर्धनो गिरीन्द्र एव मुख्य इति गार्गी मुखा स्मृतम् हे सख्यो तुम लोग अपने मन में मनोरथ रखी हो प्रीतम श्याम सुंदर से मिलने के लिए उनको देखने के लिए लेकिन सखी शास्त्र कहता है लोक में भी प्रसिद्ध बात है कि महदा स्वयं बिना नैव मनोरथ फल महान पुरुष के महत के आश्रय के बिना मनोरथ फलता नहीं है और महत्वम च हरिदासान और महत कौन है इसको महान कहा जाएगा जो हरिदास सखियां कह रहे हैं महदाश्रय के बिना अभिलाषा सफल नहीं होती है मनोरथ सिद्ध नहीं होता और महत कौन है महत्वम तो हरिदासा नाम है जो हरिदास है वही परे है और उसमें भी ये श्री गोवर्धन गिरीन्द्र यही मुख्य है हरिदासों में हमने ऐसा गार्गी मुख से सुना है हमने ऐसा सुना है ये सबसे श्रेष्ठ भक्त है तो क्यों नहीं इनके चरण का आश्रय दिया जाए इनका आश्रय लेने से श्याम सुंदर से मिलन निश्चित हो वेणु गीत का सार जो है वास्तव में गोपियों के स्वभाव का वर्णन किया जाए उनकी भावनाएं उनका प्रेम प्रत्येक श्लोक में उद्धृत हो रहा है चाहे गिरिराज जी में चाहे कहीं सब जगह उसी की छाया दिख रही है उसी गिरिराज स्वयं प्रेमी है परंतु जैसा वेणु गीत में कहा गया हरियों के लिए पुलिंदियों के लिए किसी के लिए वास्तव में सभी धन्य है परंतु सर्वोपरि धन्याति धन्यतम जो है वो गोपियां हैं श्री कृष्ण से मिलने के लिए उनके दर्शन के लिए बेचैन है इसी को मनोरथ कह रहे हैं यदि तुम मनोरथ सफल करना चाहती हो तो सुनो तब अद्य तत्त मानस गंगा या स्नात्वा तद अधि दैवतस्य श्री हरिदेव नाम्नो नारायणस्य दर्शनार्थं जानो ऐसा करें देखो हम चले और मानसी गंगा में स्नान करेंगे सब वन से भरा हुआ सचरात्र वृक्षों से भरा हुआ था हम लोग छिपका के वन में जाएंगे वहाँ स्नान करेंगे तो इस पर प्रश्न होता है फिर गुरुजन सास ससुर घर के लोग कहेंगे किधर क्यों गई तो वहाँ गंगा मन मानस गंगा में स्नान करेंगे और स्नान करके वहाँ हरिदेव जी का दर्शन करेंगे भगवान विष्णु का दर्शन करेंगे और जब दर्शन करने जाएंगे तो ये कहेंगे कि हम अपने परिवार के सुख स्वाच्छंद के लिए पति को निरोग रखने के लिए भगवान से विनय करने गई थी रुपये तो कह सकते हैं कि भगवान का दर्शन करने गई थी विष्णु भगवान का और परिवार के कुशलता की याचना करने तो इसके लिए अगर लोग सुनेंगे कि हरिदेव जी का दर्शन करने गई थी
तो परिवार के लोगों को भी इसमें कोई भी प्रपत्ति नहीं है, कोई आपत्ति नहीं। और गिरिराज जी का दर्शन करेंगे और उनके चरणों में प्रणाम करेंगे तो निश्चित ही हमारा मनोरथ सफल होगा। तो वही संतुलन रहते ही तो इसलिए हरिदेव जी के दर्शन और मान गंगा जी में स्नान का बहाना करके चाहिए। तीर्थ में जा रहे हैं, गंगा जी में स्नान करेंगे, भगवान का दर्शन करेंगे और गोवर्धन की घाटी में शिखर पर जहाँ तहाँ कुंज नहीं से हम सुंदर होंगे तो गिरिराज जी के आशीर्वाद से हमारा मनोरथ सफल होगा। यही कारण है कि विश्वास चक्रवर्ती ठाकुर कह रहे हैं कि आखिर गिरिराज जी की महिमा जो कुछ भी कह रहे हैं तो हरिदास के रूप में क्यों कह रहे हैं, इसीलिए कि उनके आशीर्वाद से हमारा मनोरथ सफल होगा। महादासरेण बिना मनोरथ नहीं हो फल होती, मनोरथ फलता नहीं। महादास भगवान के भक्तों के आशीर्वाद के बिना और भक्तों में सबसे श्रेष्ठ गोवर्धन जी, इसलिए वहां चलो। उसे तो व्याख्या बहुत बहुत है पढ़ने में। राम कृष्ण चरण स्पर्श पर श्रीजीव गोस्वामी पाद जी, सनातन गोस्वामी पाद जी बहुत लिख रहे हैं, हम यहाँ पर पढ़ते अमर कोषा। राम शब्द का अर्थ क्या है? राम शब्द के कई अर्थ किए गए हैं, उसमें अमर कोष में ये भी है। तीन अर्थ में राम शब्द का प्रयोग होता है, नील, चारु और सीत। तो राम शब्द का यहाँ अर्थ चारु शब्द, चारु का अर्थ सुंदर, रमणीय। तो जो कृष्ण अति सुंदर है तो इसलिए उनको राम कृष्ण कहेंगे। कृष्ण शब्द का ही विशेषण है राम, गोपियों का अपना अर्थ है। रामो रमणीयो यह कृष्ण तस्य चरणयो स्पर्शेन प्रमोदो जस्य स, तयो हो कैसे बैठाएंगे उधर जो आया है तो रामकृष्ण तयो है, तो तयो का जैसे प्रश्न कहते चरणयो चरण अथवा गोगणयो, तय गोगण के लिए, गौओं के लिए और गोपों के लिए तयो शब्द का प्रयोग है इस अर्थ के अनुसार। तो रामो रमणीयो यह कृष्ण तस्य चरणयो स्पर्शेन प्रमोदो जस्य स, तयो चरणयो जद्वा तादृश कृष्ण चरणयो, तयो चरण मैंने ऐसे चरणों के, तादृश चरणयो स्पर्श प्रमोदो जस्मा, स्पर्श तादृश चरण कृष्ण चरणयो स्पर्श प्रमोदो, जस्मा ऋतु अनुरूप साहित्यादि गुणकत्वेन स्वशिलानां विधानम्। गिरिराज जी ऋतु के अनुसार अपने शिलाओं को कर लेते हैं, जाड़े में गर्म और गर्मी के दिन में ठंड। रामम क्रीड़ा रूपम श्री कृष्णस्य चरणम आचरणम तस स्पर्शेन स्पर्शमेन दानेन प्रमोदो जस्य। चरण का एक अर्थ श्रीपद जीव गोस्वामी करते हैं, सनातन गोस्वामी का जी वही अर्थ किए। चरण का अर्थ है आचरण, आचरण का अर्थ है लीला। रमणीय कृष्ण के लीलाओं से गिरिराज जी को बहुत प्रमोद रहता है। और स्पर्शन का अर्थ होता है दान, चरण का अर्थ है आचरण लीला और स्पर्श का अर्थ है स्पर्शन दानेन दान, अपनी लीलाओं के दान बढ़ाया। गिरिराज जी में श्री कृष्ण अनेक लीलाएं करते हैं, तो रमणीय कृष्ण के चरण स्पर्श मतलब लीला दान द्वारा इनको प्रकृष्ट हर्ष रहता है गिरिराज जी।
लीला होते हैं। श्री गोपी जनों के साथ भी भगवान जैसे दही का टैक्स मांगना, कर मांगना दान घाटी में, जैसे प्रसादी की तरफ से श्री गोपी जन आती है, तो श्याम सुंदर अपने सखाओं के साथ वहाँ पर टोल टैक्स लेते हैं। उनको क्या टैक्स है, इनकी कौन कटौती है, राज्य है, लेकिन फिर भी कहा यहाँ दान लगेंगे, यहाँ देना पड़ेगा। और वैसे तो भक्तों में बहुत बहुत बार लिखा है गोरस का दान मांग, गोरस कैया, जैसे दूध है गोरस है, दही भी गोरस है, गोरस में गाय का रस, गाय जो रस देती है उसको गोरस का, घी भी गोरस है, छाछ भी गोरस है। इसके साथ ही साथ है गोरस के अर्थ जो हमारे आचार्य ने भी किया है, श्री कृष्ण चाहते हैं दर्शन श्री प्रिया जी का, आंखों के लिए रस चाहते हैं, गोमन इंद्रिया, इंद्रियों का रस, उनकी बात देखना, उनकी गाली सुनना या उनका स्पर्श करना, या वे श्री कृष्ण का स्पर्श करना चाहती है, उनको देखना चाहती है, सब बोलना, यह इतनी आनंदमय लीला है, खासकर दान मांगने की और इसको दिवाजी की घाटियों में, गुफाओं में इधर उधर छेकना, हम दही दान लेकर के रहेंगे, हम भूखे हैं यहाँ इतने दिन से, और भी हम बहुत पूरे कर्म कर रहे हैं, गुजारण कर रहे हैं, इतना पवित्र काम कर रहे हैं, और गौओं का ही वस्त्र लेकर के तुम जा रही हो, हम लोग दिन भर गाय चलाते हैं, क्या यह अधिकार नहीं है तुम लेने का? तो जो छोड़ना है आपस में छीना झपटी है बाह पकड़ करके, और मटकी पकड़ना, बाह पकड़ना, वास्तव में वो गाय का जो रस है वो भी तो प्रेम में है ही, परंतु उसको खाने की, उसको पीने की लालसा नहीं है उतनी, उसके बहाने से जो आपस में वाद विवाद है, झकझोरना है, अंग परसना है, यही सबसे बड़ा सुख, इतना आनंदमय है कि एक बार की बात है, श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी भगवान के विरह भाव से इतने दग्ध थे कि लगता था कि प्राण छूट जाएगा, प्राण छूट जाएगा विरह के भावना करके। तो श्री रूप गोस्वामीपाद ने एक ग्रंथ लिखा दान के लिए कौम दे, जिसमें दान लेने की लीला है वर्धन से, और उस लीला में इतना संयम, इस प्रकार की बातें दिखाई गई हैं कि विरह का तो कोई प्रश्न ही नहीं है, उनको विरह हो रहा है, छीना झपटी, या इसके साथ साथ अंतरंग विहार है, होली लीला या झूलर लीला, दिमाग जी के गांधी पहाड़ में झूलर लीला हो रही है, और कई कई प्रकार की लीला, होली लीला, बल विहार, लुका छुपी का खेल, और श्रृंगार, फूलों से श्रृंगार करना श्री कृष्ण का प्रियतम का, इस तरह से प्रिया जी का जब मिलन सुना तो उनका विरह भाव समाप्त, ऐसा होने लगा कि बिल्कुल संयोग नहीं, उनके साथ विरह हुआ ही नहीं, इतनी आनंदमय लीला। तो ये गिरिराज में ही संपन्न होती है। प्रमोदो जस सम, तो श्री गिरिराज जी को ऐसा नहीं है कि श्री कृष्ण के और श्री बलराम जी के चरण कमल का स्पर्श प्राप्त है, श्री गोपी जनों के, श्री सखाओं के, और इसके साथ ही साथ श्री कृष्ण की जो सेंट्रल लीला है, सब महत्वपूर्ण सारी लीलाएं हुई है वो गिरिराज जी के आसपास हुई है। इसीलिए श्री रूप गोस्वामी पाद जी कहते हैं कि समस्त विश्व ब्रह्मांड में यह
ब्रह्मंडल श्रेष्ठ है, ब्रह्म में मधुपुरी श्रेष्ठ है, मथुरा श्रेष्ठ है, मथुरा मंडल, और उससे भी गिरिराज श्रेष्ठ है, और गिरिराज में भी राधा कुंड का शिक्षक वो सबसे श्रेष्ठ कुंड ये भगवान की प्रिय लीला भूमि है गिरिराज। इस तरह से श्री गोपी जन गिरिराज जी के सौभाग्य का वर्णन करते हैं। गिरिराज कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोद, श्री कृष्ण के रमणीय लीलाओं के दान द्वारा इनको प्रकृष्ट हर्ष रहते हैं। बताए जिसके देह पर और जिसके उदर में या छाती में सब जगह श्री कृष्ण लीला करें, श्री प्रिया जी के साथ और अन्य सखियों के साथ, सखाओं के साथ और गौ के साथ गोचारण आदि करें, दान करें, लेटे दौड़े खेले खाए और उन्हीं के फूलों से श्रृंगार किया जाए, कौन कौन ले, और अंतिम लीला उनकी है वो लीला जब वर्षा होने लगी इंद्र के द्वारा, तो उस समय श्री कृष्ण चरण का स्पर्श का प्रमोद तो दिए थे। मैंने सोचा कि इसको चरण से छुआ खाना ठीक नहीं है, ये तो हमारा पूज्य गिरिराज, उन्होंने अपने कर कमल पर धारण किया, तो हाथ पर धारण, सात दिन सात रात सुंदर हाथ पर धारण किया, उंगली पर धारण किया, फिर हाथ पर लेकर के उतारे। तो इस तरह से गिरिराज वास्तव में श्री कृष्ण है और भगवान के श्री कृष्ण के दासों में सबसे श्रेष्ठ। उनके आश्रय से मनोरथ सफल होता है। जो व्यक्ति चाहता है कि हमें कृष्ण मिले, कृष्ण प्रेम मिले, तो उसे गिरिराज जी का सेवन करना चाहिए, कर्मादि करना, दर्शन करना। इस तरह से ये वेणु गीत है। अच्छा, यहाँ पर वेणु गीत के कई श्लोक हैं, जिसमें इस श्लोक में और पूर्णा पुण्य दुर्गाय पदार्थ जलागा श्री कुंभ श्लोक में वेणु बजाने का उल्लेख नहीं है, दो श्लोक है, लेकिन वो तो श्री कृष्ण वेणु के साथ ही सारी लीलाएं कर रहे हैं, अपने आप समझ ही लेना चाहिए। गिरिराज जी के विषय में वर्णन करना भी वेणु गीत है, पुलिंदियों के सौभाग्य का वर्णन करना भी वेणु गीत है। वेणु गीत वास्तव में क्या है इस किसी को पता नहीं है। श्री कृष्ण बांसुरी में गा रहे हैं, क्या गा रहे हैं ये तो गोपियों को ही केवल पता है। सुखदेव गोस्वामी ने, सुखदेव गोस्वामी कहीं कहते हैं उन लोगों ने सुना और सुन करके वर्णन करना चालू किया। तो क्या गा रहे थे इसका तो वर्णन हुआ नहीं, वेणु गीत का प्रभाव क्या क्या हुआ, कैसे कैसे इसका वर्णन कर रहे हैं सुखदेव गोस्वामी, वर्णन कर रहे हैं गोपियों के गीत द्वारा। तो इस तरह से आज तक पता नहीं लगा कि वेणु गीत क्या गाया है श्री कृष्ण ने, तो अद्भुत बात है। परंतु उन्होंने जो बांसुरी में गाया, जो बांसुरी बजाया, उसके विषय में कोई कुछ कहे या कृष्ण के भी विषय में कुछ कहे, वो सब वेणु गीत है। इस टॉपिक से सिद्ध हो रहा है कृष्ण के विषय में जो कुछ कहा गया वेणु गीत है या कृष्ण गीत है, बीच बीच में आया है सुत्वा चतत पोइंट वेणु विचित्र गीत, कहीं कृष्ण गीत, कृष्ण गीत है वेणु गीत, वेणु शेणु में क्या है वो कृष्ण गा रहे थे, उसमें वही वास्तविक प्रभावशाली हो रहा है। बंगला में एक कविता में लिखे हैं, मैं भूल रहा हूँ, रविन्द्रनाथ टैगोर कहते हैं केवल फूकेर जोरे मोरे कमला, बांसुरी कहती है अरे हमने क्या है, केवल फूकेर जोरे मोरे कल रहा, तो फूकने वाला चीज ढंग से फूक रहा है, कल शब्द निकल रहा है, मधु शब्द निकल रहा है, नहीं तो उसी बांस से आदमी आग भी दबकाता है
है ना, तो उसमें कोई स्वर आदि तो होता नहीं है, फूकता है तो फूकने वाले की विशेषता है। श्री कृष्ण वेणु बजाते हैं और वो भी वेणु बजाते केवल इसी धाम में, केवल वृंदावन धाम में ब्रज में बजाते, और कहीं बजा ही नहीं सकते। यदि भक्त लोग ऐसे दर्शन करते जगन्नाथ जी का हमेशा भाव ही के अंदर वेणु मुख है, मूल पद धारण किए हैं, परंतु वास्तव में बांसुरी तो यहाँ तो बिना बांसुरी के रहते ही नहीं, वहाँ बांसुरी का धारण करेंगे हाथ ही पूरा नहीं दिखाते हैं। वैसे तो गर्जन नंदन ही है, साक्षात कोई अंतर नहीं करना चाहिए, क्योंकि ब्रज धाम जो है वास्तव में लक्षण और भगवान की लीला भूमि शिव की देव है, कुछ चीज अचल है। भगवान के धाम में गोलोक में नहीं गए जैसे जमुना जी, गुरुना जी और यहाँ की राज वही वही राज है जिसको श्री कृष्ण ने अपने चरण से धन्य किया है, वही जमुना जी है, और गिरिराज जी वही जिसको उन्होंने अपने कर कमल पर धारण किया और जिसमें उन्होंने विभिन्न लीला किया, दिखाया किया। ये बहुत बड़ा सौभाग्य होता है जो करते हैं भगवान के दैवित लीला के उपकरण को आ करके प्रणाम करना, यहाँ से छूना, परिक्रमा करना, इन्हीं सब क्रियाओं द्वारा भगवान कृष्ण के प्रति भाव उत्पन्न होता है। और उस पर भी यदि गोपीजनों के मुख से सुना जाए, एकदम श्याम सुंदर के विषय में या गिरिराज जी के विषय में, जमुना जी के विषय में क्या कहती है, नद्या तदुपधर मुकुंद गीता मावर्त लक्षित मनोभव मधुरेणा, नदी का भी वर्णन किया है यहाँ पर अत्रि गोवर्धन जी का वर्णन कर रहे हैं। और भी पर्वत हैं ब्रज में, वे सब हरिदास हैं, उनमें भी लीलाएं होती ही रहती हैं। गिरिराज जी का हरिदास वर्ज है सबसे श्रेष्ठ। इस प्रकार ब्रज का एक एक कण श्री कृष्ण की लीला से संपृक्त है, संबंधित है सब कुछ। और यदि कोई व्यक्ति दूसरा प्रवचन करे तो आदमी करेगा इसमें भावुकता हो सकती है, ये प्रवचन श्री गोपिकाओं का है। पंताय मंत्र रखना हरिदास वर्ज जदराम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोद मानम तनो दिशा गो गणयोग पानी सूर्यवस्कंदन कर रहा। यह है कि गाय जी का सौभाग्य और सर्वार्थ साई सौभाग्य तो श्री गोपी जनों का है, जो सब जगह सबको किसी प्रेम से भरपूर देख रहे हैं। और हम लोगों का भी सौभाग्य है कि हम लोग इसको पढ़ रहे हैं, श्री राधा रानी के उद्गार को पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं और भगवान कृष्ण के लीला भूमि में रहने को मिलता है, ये भी हम लोगों का बहुत बड़ा भाग्य है। हरे कृष्ण, धन्यवाद।